तो गाइस अपना ट्रॉली बैग ये ले लिया गया है, कह रहा है कि वीडियो मत बनाओ मेरे दुकान का। हम बोले चलो ठीक है। गाइस ये रहा माउंट जिसे ब्लॉगिंग करना है बाइक पे। तो गाइस अपना ब्लॉगिंग किट भी हो गया और तो गाइज हम आ गए हैं फाइनली रेड फोर्ट यानी लाल किला पे। और ये देखिए इधर का मार्केट, कबूतर मार्केट, पूरा सारा पंछी का मार्केट है इधर। हर प्रकार के चिड़िया आपको देसी विदेशी सब मिल जाएगा। अरे भैया तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए तभी मज़ा आएगा। आप लोग थोड़ा सा आगे का देखते हैं उसके बाद वीडियो कट कर देते हैं तो समझ ही नहीं आता होगा आप लोग को वीडियो। देखिए बैग और ट्रॉली व्रॉली सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज हमको एक लेना है छोटा ट्रॉली बैग, तो एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं कितना मिलता है यहाँ पे। छोटा ट्रॉली बैग दिखाइएगा प्लास्टिक में, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है सामान में। तो गाइज ट्रॉली बैग देखे हैं और फिक्स भी किए हैं, 2000 किसी का 2500 मांग रहे हैं और लोकल भी था, पर लेंगे क्या करना अभी, ओरिजिनल उतना खास हमको बस सामान ले जाना है उस ले रहे हैं। और प्लेन कलर सस्ता मिल रहा है, जो थोड़ा सा वो आता है अलग अलग कलर उस पर होता है वो वाला महंगा मिलता है, तो हम वही कलर खोज रहे थे पर अभी मिल नहीं रहा है। तो चलते हैं अभी चांदनी चौक, अगर वहाँ मिलता है तो पहले लेते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो में। देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो गाइस इधर भी फुटपाथ मार्केट पूरा लगा हुआ है लाल किला के पास में, सामने बोल लीजिए जो भी है। देखिए हम लोग को फटाक चलना है चांदनी चौक। टाइम हो गया 2:13 और अभी और 200 मीटर दूर है चांदनी चौक। पहले तो चल के पहले चप्पल वाला काम करना है, फिर केस लेना है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जूता और चप्पल मिलेगा पर ये सही नहीं मिलेगा, देखते हैं अगर मिलेगा इसमें भी सही तो लेंगे, क्या करना है कैसे भी। पर ज़्यादा छिल जाएगा तो चप्पल में भी जलन होगा बहुत ज़्यादा। नहीं यहाँ पे भी सही नहीं है, एकदम नॉर्मल वाला है जो घर पे पहनते हैं, थोड़ा सा अलग लेना है। इधर के सूज मिल रहा है तगड़ा तगड़ा। तो गाइज एक मैंने सूज भी ले लिया जो वहाँ पे बिक रहा था, कह रहा है कि वीडियो मत बनाओ मेरे दुकान का। हम बोले चलो ठीक है बनाएंगे तुम्हारे दुकान का वीडियो। अब चल रहे हैं, अब आ गए लाल किला के पास और यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन को सेफ भी रखना है क्योंकि कब फ़ोन खींच लेगा पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए इसके बीच से निकल रहे हैं अपना, बहुत ज़्यादा गाड़ी लगा रहता है यहाँ पे। और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा लाल किला का झलक यहाँ से। देखिए ये रहा सामने लाल किला, देखिए उधर जाएंगे नहीं क्योंकि उतना टाइम नहीं है, फ़ोन भी मेरा 20% हो गया है तो कब बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब आए हैं तो ब्लॉग पूरा नहीं करेंगे, आधा पे फोन डाउन हो जाएगा। तो देखिए रहा लाल किला, थोड़ा सा रोड पे चल के दिखाते हैं आपको। तो गाइस तो अब तो आ गए हैं फाइनली हम चांदनी चौक, चलेंगे पहले अपना काम जो है इलेक्ट्रॉनिक का, केस लेंगे जो ब्लूटूथ है और ये जाएगा सीधा आपको चांदनी चौक, जो नया बना हुआ है चांदनी चौक उसका है ये। ये रहा टेम्पल, हम चलेंगे इधर लाल किला जो मेट्रो स्टेशन वहाँ से मार्केट के अंदर। उसमें इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि ब्लॉगिंग भी करना पॉसिबल नहीं है, फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है सबसे बड़ा टेंशन यही है। गाइस चलते हैं अंदर, देखते हैं ब्लॉग अलाउ होता है या नहीं होता है। ये रहा कुछ मार्केट का नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इसमें। देखते हैं इसका केस कहाँ मिलता है उसको लेते हैं पहले। केस गाइस इसका केस मिल ही नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ मिलता है। तो गाइज कई सारे दुकान के पास पता किया, अभी 5-7 दिन पहले लॉन्च हो उसके बाद से मिल ही नहीं रहा है केस।
क्या देखिए इधर ज़्यादा इतना ज़्यादा भीड़ है, देख लेते हैं एक बार और पता करते हैं, जो चार पांच दुकानें छूट गई वहाँ पे पता करते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस जो हेलमेट का अमाउंट है देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, और नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। इसका तो केस मिल ही नहीं रहा है और चांसेज है यहाँ पर मिलने का, बाकी देखते हैं। ये रहा, यही है, यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि बहुत फेमस शॉप है यहाँ पर इनका। तो भाई जब भी भैया खोज रहे हैं देखते हैं मिलता है क्या नहीं है, 450 बोले हैं, देखिए निकल रहा है अपना। भाई जी ये रहा माउंट जिसे ब्लॉगिंग करना है बाइक पे, और भैया भी पूरा इसका निकाल रहे हैं सेटअप। 450 बोले हैं इसका। अभी देखिए इसका आगे का जो प्लास्टिक का है ये वाला, इसको मुझे लेना है चूड़ी वाला ताकि फ़ोन गिरे ना इस पे से, देखते हैं अभी निकाल रहे हैं। तो गाइज अपना ब्लॉगिंग किट भी हो गया और माइक के साथ पड़ा है मुझको 890 रुपये का जो किट था, और इसका केस नहीं मिला। लोग बोल रहे हैं कि अभी 5 दिन पहले नया आया हुआ है तो क्या ही मिलेगा। तो गाइज अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, बड़ा भूख लगा है, सुबह का ही ये निकले हैं 11:30 बजे का घर से, तो कुछ खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसी में से निकलते हैं कैसे भी कैसे करके। अब फोन भी मेरा आ गया है 8% पे, तो उसका भी बहुत बड़ा टेंशन है, कुछ काम पड़ जाएगा फ़ोन पे करना है। अभी तो हमको ट्रॉली बैग लेना है, पहले देखे इस वीडियो में, हम सोचे थे बाद में लेंगे क्योंकि ढोना पड़ेगा। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर, पहले चल के कुछ खाया जाएगा क्योंकि पहले पेट भरा रहेगा तभी कुछ होगा। तो गाइस अभी चप्पल लेना है, चप्पल भी नहीं ले पाए हैं और ट्रॉली भी लेना है, पहले चलते हैं चप्पल लेते हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी में एक चप्पल लेना पड़ गया क्योंकि इतना ज़्यादा पैर छिल गया कि चलना नहीं। देखिए ये रहा, तो गाइज अपने पास मात्र 10 रुपये कैश बचा था, छोला भटूरा खाएं तो पूछे पहले फ़ोन पे हो जाएगा नहीं, तो बोले हाँ हो जाएगा तब जाके खाएं। तो आगे चलते हैं ट्रॉली बैग वाले के पास, अगर वो फ़ोन पे लेंगे तभी ले पाएंगे, नहीं तो ATM से कटवाएंगे, नहीं तो कैश तो हमारे पास सिर्फ 10 रुपये बचा हुआ है, देखते हैं या तो ATM जाना पड़ेगा निकालने के लिए। तो जो भी होगा ब्लॉग में दिखाएंगे, तो इन तक बनिएगा, 5% बैटरी बचा हुआ है, जितना होगा वीडियो होगा। चलते हैं, इसलिए हम वीडियो बना के भेजे हैं कि देख लीजिए क्लियर हो जाए। तो गाइस अपना ट्रॉली बैग ये ले लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया है, क्या ही बताएं। आए थे तो इसका ज़रूरी था क्योंकि मैं पीठ वाला बैग लेके आया था और सामान भी ज़्यादा हो गया था, तो 2400 कुछ रुपए का इसका बिल बना है, 24 इंची का है ये। तो चलेंगे अब घर, यहाँ चलेंगे घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो करेंगे यहीं पेंट, जो भी लोग नए पे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।